So after a very long time, we are going to start with biology, and I have chosen a very important and simple chapter that is organisms and population. बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन अगर समझ में आए तो, अगर समझ में आ जाएगा तो इसके क्वेश्चंस फटाफट बनेंगे, तो ये तुम्हारे बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस दोनों में भी काम आएंगे. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इसको, इस चैप्टर को. पहले बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की. ऑर्गेनिज्म, तुम्हें अगर याद होगा हमने पढ़ा था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन मेक्स अप व्हाट? टिश्यू. टिश्यू जो फॉर्म्स ऑर्गेन. ऑर्गेन मेक्स ऑर्गेन सिस्टम, एंड ऑर्गेन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑर्गेनिज्म. आई होप ये सबको याद होगा ये फ्लो चार्ट. तो आज पे हम इस पे बात कर चुके हैं, इस पे भी हम कर चुके हैं, इस पे भी और इस पे भी. आज हम किस पे बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिज्म पे. तो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग बींग है. इस अर्थ पे हर जगह पे हमें क्या मिलेगी? लाइफ मिलेगी. हर जगह हमें क्या मिलेगी? लाइफ मिलेगी, चाहे वो क्या हो, वो डेजर्ट हो, वो रिवर हो, वो माउंटेन हो, है ना. यहाँ तक कि जो हॉटेस्ट डेजर्ट है, जो कोल्डेस्ट प्लेस है, जो एकदम सॉल्टीएस्ट लेक या ओशन है, वहां पर भी हमें क्या मिलती है? लाइफ मिलती है. इसका मतलब वेयर इज लाइफ? लाइफ इज एवरीवेयर. लाइफ इज ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो हर जगह प्रेजेंट हो. जैसे कि एयर, वेयर इज एयर? एयर इज एवरीवेयर. दैट मीन्स व्हाट? एयर इज ओमनी प्रेजेंट. वेयर इज गॉड? गॉड इज एवरीवेयर. तो गॉड इज ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट. तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह क्या हो, मौजूद हो. समझ में आ गई बात? तो लाइफ भी क्या है? हर जगह मौजूद है. या वो बैक्टीरिया के फॉर्म में हो, एल्गे के फॉर्म में हो, फंगस हो, है ना, एनिमल हो, प्लांट हो, या ह्यूमन हो, हर जगह क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है. दूसरी बात है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा है कि एक्वाटिक कुछ हैबिटेट्स, कुछ हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ा है. हैबिटेट्स मतलब कि जहां पर, मतलब कि अगर मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस वो उसका हैबिटेट है, कि वो रहता कहाँ है. समझ रहे हो? तो जो पानी वाले हैं वो एक्वाटिक, टेरिस्ट्रियल, रेप्टाइल, आर्बोरियल, एरियल. तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका एड्रेस इज वॉट? उसका हैबिटेट. ठीक है, एक वर्ड और तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो है नीश. इसका मतलब है थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में घुमा फिरा के दिया हुआ है वो, अगर अगर समझने के लिए एकदम वन वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो ये है उस ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन. ये उसका एड्रेस हुआ कि वो रहता कहाँ है, और ये हुआ कि वो करता क्या है. जहां वो रहता है वहां पर क्या करता है, तो ये उसका एड्रेस है, ये उसका प्रोफेशन है. तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो जो कोई भी लिविंग बींग है, उसका इस इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट जगह है और उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है ना. सो दे ऑल हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द एनवायरमेंट, एंड दे ऑल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द एनवायरमेंट. गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एनी लिविंग बींग यूजलेस. सबका अपना अपना क्या है? काम है. ओके, तो दिस इज वॉट हैवन वाला का समझ में आ गया. ये उसका एड्रेस और ये उसका प्रोफेशन, के वो वहां पर कैसे रहता है और कैसे अफेक्ट करता है. द अदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स टू ऑर्गेनिज्म इज द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट हमने ये लोगों से भी पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे आसपास है, हमारा जो सराउंडिंग है, उसमें जो भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अबायोटिक फैक्टर हो या फिर वो बायोटिक फैक्टर हो, वो किस में काउंट होगा? एनवायरमेंट में. तो जो भी लिविंग बींग है वो जिस भी एनवायरमेंट में रहे, और वहां पे जो लिविंग बींग है वो भी, वहां पे जो नॉन लिविंग बींग है वो भी, उनमें कैसे ये उनका रोल क्या है, प्लस ये उनको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, प्लस उनका इन पे क्या असर पड़ता है, ये पूरा पूरा क्या है हम इस चैप्टर में देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अबायोटिक से स्टार्ट करूं,
तो ऐसे क्या है अबायोटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते होंगे, बताओ। अगर मैं अबायोटिक फैक्टर की बात करूं, टेम्परेचर है, फूड सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है ना, ये कुछ अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी एनिमल जहां पर भी एग्जिस्ट करता है वहां का टेम्परेचर उसको बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि पेंगुइन है या फिर पोलार बेयर है, क्या वो यहां पर आके हमारे साथ रह सकता है? क्या हम वहां पर जाके रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जहां रहता है, जिसका हैबिटेट जहां है, उसने अपने आप को वहां के हिसाब से ढाला हुआ है, क्या किया हुआ है, अडेप्ट किया है, ठीक है ना? तो मतलब जैसे कि पोलार बेयर है, इतनी ठंड में भी उसको ठंड नहीं लगती, और हमको अगर फास्ट फैन कर दे तो भी हम ठिठुर जाते हैं। तो रीजन क्या है? उसने अपने आप को उस ठंड में रहने के हिसाब से ढाला है, मतलब कि उसके जो स्किन हमको दिखती है ऊपर से, जो फर, उस फर के नीचे मोटे मोटे फैट के लेयर है जिसको ब्लबर कहते हैं, जिसके वजह से जो वो खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म से बनने वाली हीट क्या नहीं हो पाती है, बाहर एस्केप नहीं हो पाती, क्योंकि वो हीट उनको चाहिए अपने अंदर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, अंदर के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चलाने के लिए, और अंदर के एंजाइम्स को काम चलाने के लिए, प्लस उनको अपने स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो सारे ऑर्गेनिज्म का एक रेंज होता है, वो उस रेंज में ही जी सकते हैं, वो टेम्परेचर का हो, वो वाटर का हो, वो पीएच का हो, सारे ऑर्गेनिजम्स एक रेंज में रहते हैं। तो टेम्परेचर क्या करता है? अफेक्ट करता है, ठीक है? सनलाइट की जहां तक हम बात की, अगर हम इसको प्लांट के रेफरेंस से बात करें, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉल 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 होते हैं और आपस में एक दूसरे से कंपीट करते हैं क्या करने के लिए, और टॉल होने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सनलाइट पा सके, उनको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत है। लेकिन वहीं अगर आप जंगल में देखोगे तो क्या दिखेगा, कि टॉल ट्रीज भी है, उनसे शॉर्ट भी है, उनसे शॉर्ट भी है, उनसे शॉर्ट भी है, और यहाँ से छोटे छोटे ग्रास श्रब्स हर्ब्स भी हैं। तो कितनी बार ऐसे हो जाता है कि जो टॉल ट्रीज है वो इतने बड़े बड़े होकर फैल जाते हैं कि जो नीचे से छोटे छोटे झाड़ है उनको तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका शेडो उन पे आता है, फिर भी वो वहां पर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो टॉल ट्रीज हैं उनके रिक्वायरमेंट अलग है, उनका अडेप्टेशन अलग है, उनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड देर आर शेड लविंग प्लांट एज वेल, जिनको जिनको क्या चाहिए, हल्का भी अगर मिल गया तो काम चल जाएगा, बाकी उनको तो छांव की जरूरत है, वो हल्के में भी क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपना खाना बना लेंगे। तो अबाउट शेड लविंग प्लांट, ठीक है? और अगर हम लोग ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो अगर हम लोग अर्थ देखेंगे, तो इक्वेटर से अगर नॉर्थ तरफ चलो तब भी, और साउथ में चलो तब भी, क्या होता जाएगा, टेम्परेचर सनलाइट का जो फॉल है वो कम होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर है, इक्वेटर पे। सम ऑफ द अदर वे टेम्परेचर एंड सनलाइट आर रिलेटेड, राइट? तो यू विल फाइंड वॉट टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एट इक्वेटर, बट एज यू मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल द सन रेज गोज स्लैंटिंग एंड हेंस टूवर्ड्स द पोल इट इज वेरी मिनिमम और नॉट एट ऑल, मेकिंग इट अ कोल्डर प्लेस ऑन द अर्थ। बट इवन दो द लाइफ एग्जिस्ट इन ऑल द रेंजेस, गॉट द थिंग? देन सॉइल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज ऑफ सॉइल देर आर मेनी बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, वर्म्स, दे टेक बर्थ इन द सॉइल, दे वर्क इन द सॉइल फॉर द सॉइल, गेट देयर न्यूट्रंस फ्रॉम द सॉइल, दे डाई इन द सॉइल एंड गेट डिकम्पोज इन द सॉइल। सो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉइंट नंबर टू, जीने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल नहीं, खाना कहां से आएगा?
क्रॉप से आएगा। क्रॉप्स कहाँ होंगे? सॉइल में होंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? जैसे कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं, ग्रो करते हैं। दिस इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, टेक्सचर ऑफ सॉइल, वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्रेजेंस ऑफ अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सो सॉइल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, सॉइल में भी क्या है, बहुत सारे टाइप के सॉइल है ना, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पजेसिंग डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रमोटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन एंड ऑल्सो अलाउिंग डिफरेंट बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू थ्राइव इनटू इट। ओके, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज वॉटर द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल। Water is the is one of the reason why life existed on earth and why we are still on earth. So water, availability of water is an important factor. Point number two, see aise bola jata hai ki jo salty water hai na, saline water jo hai usme kya hai, bahut zyada salt hai, ठीक है, और फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं है। जो हम पानी पीते हैं इसमें हमको सॉल्ट का एहसास नहीं आता, ऐसा कुछ हम कुछ लगता नहीं है सॉल्ट जैसा। इसका मतलब ये है क्या कि इसमें सॉल्ट नहीं है, इसमें सॉल्ट नहीं है ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कोई भी वाटर नहीं हो सकता जिसमें सॉल्ट ना हो। द रीजन व्हाई यू डू नॉट टेस्ट द सॉल्ट इन इट इज द अमाउंट इज इन वेरी ट्रेस क्वांटिटी। सी इफ इन द मराइन वाटर इट इज 35 पार्ट्स पर 1000, ऑन द अदर हैंड इन द फ्रेश वाटर इट इज हार्डली 4 to 8 पार्ट्स पर 1000। दिस इज द यूनिट हाउ वी मेजर सलानिटी। ठीक है, पार्ट्स पर 1000 में मेजर करते हैं। तो अगर सॉल्टी वाटर में 35 पार्ट्स पर 1000 है तो यहाँ पर 4 से 8 के बीच में रेंज है, तो कहां से फील कर पाएंगे? ठीक है, तो जो फिशेस, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सॉल्टी वाटर में रहते हैं वो और उनका बॉडी अडेप्टेशन अलग है, किससे? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनसे। जो फ्रेश वाले हैं वो सॉल्ट में नहीं जी पाएंगे, जो सॉल्टी वाले हैं वो फ्रेश में नहीं जी पाएंगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अडेप्टेशंस इन देयर बॉडी टू सर्वाइव इन देयर ओन हैबिटेट। दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्योयंसी, दे विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वॉटर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस ऑल वी डिस्कस्ड टूडे राइट नाउ इज वॉट अबायोटिक फैक्टर्स, दैट हाउ दीज अबायोटिक फैक्टर्स कैन अफेक्ट बायोटिक फैक्टर्स। ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हुए भी किस तरह से लिविंग पे अफेक्ट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है तो मुझे बताओ। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन। See, just now I gave you all an idea about organism. Now let me give you some idea about population and then we'll merge both. Okay? So when we talk about a population, in a very simple manner, agar hum puch population kya hai, to kya bolenge? Jansankhya, abadi, public, bheed. But this is not the definition of population. ठीक है? See, population तो किसी भी चीज की हो सकती है। अभी जैसे कि अगर बारिश में बहुत सारी मेंढक आ जाए बाहर, हमें दिखने लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है इनकी। अभी कितनी ज्यादा तादाद में जो लोकस्ट अटैक हुआ था, कितने सारे लोकस्ट आए थे, नहीं आए थे, तो इसका अगर हम लोग जनसंख्या बोलते हैं या फिर भीड़ बोलते हैं या फिर आबादी बोलते हैं तो उसमें स्पेसिफाई करना होगा किसकी, कब और कहां। So here a population means a number of individuals, number of individuals of a particular species, of a particular species in a particular area at a particular time.
Why I insist on the word particular, particular, particular? It is my favorite. No. See, number of individual. मतलब आप जिस भी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैंगो प्लांट हो, वो लोकस्ट हो, वो फ्रॉग हो, वो ह्यूमन हो, वो डॉग हो, तो उस प्रजाति के कितने बंदे, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कहां पर उस पर्टिकुलर प्रजाति के नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जनकल्याण में मैंगो प्लांट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो मैंने एरिया स्पेसिफाई किया, क्योंकि हो सकता है यहां पर है, इसके इमीडिएट नेक्स्ट एरिया में एक भी पेड़ ना हो। यस, तो एरिया स्पेसिफाई करना जरूरी है एट अ पर्टिकुलर टाइम। हम टाइम की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मान लो आप लोग कॉलेज जाते थे, अब पुराने बात हो चुके, वो जाते थे, पास्ट हो चुके, क्लासेस आते थे, तब क्या होता था, आपके बैच के टाइम पे मान लो 7 PM के बैच में, 7 to 9 PM वाले बैच में 20 स्टूडेंट्स होते थे, ठीक है। लेकिन इसके पहले वाले बैच में 4 to 7 PM वाले में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, और इसके पहले 2 to 4 वाले में यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मतलब मैं कैसे बताऊं पॉपुलेशन क्या है? तो ये रहा मेरा स्पेसिफिक टाइम कि इस बैच में इतनी पॉपुलेशन है, इस बैच में इतनी पॉपुलेशन है, इस बैच में इतनी। समझ रहे हो बात को? तो मतलब हम लोग टाइम की क्यों बात करेंगे? क्योंकि अगर ये लोकस्ट अटैक, लोकस्ट तो हम लोग हर बार नहीं देखते थे, पॉपुलेशन एक टाइम पीरियड में वो आया, हमने फ्रॉग का एग्जांपल लिया, फ्रॉग हमको साल भर नहीं दिखेगा, उसकी पॉपुलेशन वो एक टाइम पीरियड में आया। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना छोटे टाइम की बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तब हम 10 years के पीरियड की बात करते हैं। सिर्फ ये क्लियर हुआ क्या कि हम लोग टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, एक किसी पर्टिकुलर प्रजाति के कितने इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि उन 6 महीने के दौरान, या 10 दिन की बात कर रहे हैं, या 1 साल की बात कर रहे हैं, जो भी है, उस वक्त कितनी थी, इज व्हाट पॉपुलेशन। गॉट द पॉइंट? ओके, आई होप यू ऑल आर राइटिंग विथ मी। जहां भी जरूरत हो कीप ऑन नोटिंग, कीप ऑन राइटिंग, and be very quick because I might not be able to go all the way there and check every time. So I hope you are quite mature to know what is important and note it. Now, to understand population better, and one more thing, the detailed study of population is called demography. Demo means people. Demography, the detailed study of population is called what? Demography. Now, census का नाम सबने सुना है, जनसंख्या, जनगणना, है ना, हर 10 साल में एक बार होता है। लास्ट हुआ था 2011 में, नेक्स्ट होगा 2021 में। जो भी हम आज रिपोर्ट देखते हैं, नेटालिटी की, मोर्टालिटी की, सेक्स रेशो की, वो सब किसके थ्रू है? 2011 की। जो हम नेक्स्ट रिपोर्ट लेटेस्ट हमको मिलेगी वो होगी 2021 की। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन? सी, व्हेन आई एम राइटिंग यू ऑल कैन राइट विथ मी। There are some factors जिसमें चेंज पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करता है। नंबर वन,
ठीक है। Now listen very carefully. The first natality. What is natality? This word might be new to you all, लेकिन birth rate समझ जाओगे। देखो birth rate क्या है? अभी मैंने क्या बोला कि 2011 में जो census हुआ था, उसके बाद होगा 21 में। तो आप लोग 2011 में भी थे। जब सेंसस हुआ तो आपकी गिनती 2011 में हो चुकी है ना। अगर भगवान ने चाहा, जिंदगी रही, तो 2021 वाले सेंसस, अगर कोरोना ने हमको छोड़ा, तो 2021 वाले सेंसस में भी आपकी गिनती होगी, आप रहोगे, ठीक है। लेकिन इन 10 सालों में जो नए बर्थ हुए हैं, वो भी तो काउंट होंगे। ऐसे भी तो बर्थ होंगे जो 2011 में नहीं हुए, लेकिन 2021 में उनकी गिनती होगी। तो बर्थ रेट, दैट इज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन एवरेज पॉपुलेशन इन 2000। इसका फॉर्मूला होता है, आई विल राइट हियर, नंबर ऑफ न्यू बर्थ्स अपॉन एवरेज पॉपुलेशन इंटू 1000। फॉर्मूला छोड़ के बाकी समझ लो। समझ में आ रही बात क्या है? मतलब जो तब थे वो अब भी है, लेकिन इन 10 सालों में जो भी नए नमूने आए हैं उनको भी तो गिनना है, ठीक है। ये हमारा बर्थ रेट। इससे मालूम पड़ेगा कि इस सेंसस में कितनी पॉपुलेशन थी, इस सेंसस में कितनी पॉपुलेशन हुई, तो कितनी तेजी से हमारा बर्थ रेट बढ़ रहा है। ओके, पॉइंट नंबर टू, मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी इजी वे में इट इज व्हाट, डेथ रेट। फॉर एग्जांपल, जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स जो 2011 में थे, उस सेंसस में थे, लेकिन 2021 के सेंसस में नहीं रहे, है ना, कोरोना उनको अपने साथ ले गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो वो यहां पर नहीं है। तो जो कितने इंडिविजुअल्स यहां पर थे पर वो यहां पर नहीं है, इससे पता चलेगा द नंबर ऑफ डेथ टुक प्लेस इन दिस स्पैन ऑफ 10 इयर्स। सो अगेन, नंबर ऑफ डेथ अपॉन एवरेज पॉपुलेशन इन 2000 विल गिव यू द आउटपुट फॉर मोर्टैलिटी। क्लियर है इतना? वेरी सिंपल। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सी व्हाट इज सेक्स रेशियो। अगर मान लो कि मैं जनगणना कर रही हूं, ठीक है, जब जनगणना करने वाले घर पे आते हैं तो उनके पास इतना बड़ा फॉर्म होता है, वो बहुत कुछ पूछते हैं, सिर्फ नंबर गिन के नहीं आते हैं, हाँ घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, घर में कितने लोग हैं, कितने मेल कितने फीमेल, कौन पड़ा है कौन नहीं पड़ा है, घर के अंदर टॉयलेट है, गाड़ी है 2 चक्का 4 चक्का, है ना, एसी है, फैन है, कितने लोग कमाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल पूछते हैं। इतने ज्यादा डिटेल पूछने का रीजन है, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ पॉपुलेशन पता चलती है, नंबर टू मेल और फीमेल का रेशियो क्या है वो पता चलता है, कितने लोग काम करते हैं इससे हमको एम्प्लॉयमेंट का रेट पता चलता है, कितने जॉब छोड़ के बैठे हैं इससे हमको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पता चलता है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं इससे हमको लिटरेसी रेट का ज्ञान होता है, और घर के अंदर टॉयलेट है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इससे हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता चलता है, तभी तो हम बता पाते हैं कि इतने रेशियो में लोग पॉवर्टी लाइन के अभाव है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इतने परसेंट लोगों के घर में ये नहीं है, उतने परसेंट लोग 2 व्हीलर यूज करते हो, तो हम लोग कैसे बता पाते हैं हम इन्हीं सब सर्वे के बेसिस पे, ठीक है। तो यार सेक्स रेशियो इज व्हाट, कि जब मैं 1000 मेल्स काउंट कर रही थी
उस जब तक मेरे मेल्स 1000 पहुंचे तब तक का मेरी फीमेल्स कहां तक पहुंची, है ना। जैसे एक घर में 6 मेल्स 4 फीमेल्स, सेकंड घर में 8 फीमेल्स 2 मेल्स, जो भी है, जब तक ऐसे 1000 मेल्स तक मैं पहुंची तब तक फीमेल्स भी कितने मैंने एनकाउंटर किए, मतलब वो वाला नहीं, एनकाउंटर वाला है ना वो वाला। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 970 फीमेल्स, जब तक मैंने 1000 फीमेल्स एनकाउंटर की तब तक मुझे 970 फीमेल्स भी क्या हुए, एनकाउंटर हुए। इसका मतलब सेक्स रेशियो उस पर्टिकुलर एरिया का इज दिस, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हर बार फीमेल का कम क्यों रहे, ज्यादा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो इज व्हाट, नंबर ऑफ अ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज सेक्स रेशियो। टू आर सरप्राइज एंड बींग अ बायोलॉजी स्टूडेंट वी नो दैट दैट मेल्स आर हेटरोगैमस, दे पजेस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दैट इज हाउ द चांसेस ऑफ गेटिंग मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड इज 50-50%, रेशियो इज 1:1, सो आइडियली दिस रेशियो शुड बी इक्वल, बट टू आर सरप्राइज एंड अनफॉर्चुनेटली इन ऑल दीज स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वन the female sex ratio, the sex ratio is less, the sex ratio is less, that means the females are less as compared to males. The only state where the sex ratio is high is Kerala. The only state in India where the females, the number of females are high as compared to males. Okay, ab iske reason kya hai, देखो द रीजन इज के हमारे कंट्री में फीमेल्स को लायबिलिटी समझा जाता है, मतलब उनको बोझ समझा जाता है ना। हमारा सोसाइटी पहले से ही तकियानूसी ख्यालातों का रहा है, जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है कि पुरुष ही सबसे क्या है, उत्तम है ना, चाहे वो कितने भी घटिया हो, गिरे हुए हो, लेकिन पुरुष उत्तम, पुरुष सबसे क्या है, उत्तम है, और फीमेल्स क्या है, उनसे नीचे हैं, बहुत ही नीचे हैं। पहले की सोसाइटी में तो उनको बाहर जाने का, लिखने पढ़ने का, वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आज भी क्या है, बहुत सारे देहातों में, गांवों में क्या किया जाता है, जो बेटी है उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है, जैसे कि हरियाणा, यूपी, यहाँ पर बेटियों को क्या करते हैं, पैदा होते ही मार देते हैं। अलग अलग मारने की भी टेक्निक है, दूध के टब में डुबा के मार देते हैं, तुमने सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन नॉट डन हियर, कई सारे पैथोलॉजिकल लैब में ये नोटिस लगा, डिस्क्लेमर सा लगा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल या इज प्रोहिबिटेड या नॉट डन हियर। देखो होता क्या था पता है, प्रेग्नेंट लेडी को जब चेकअप के लिए लेके जाते थे तो वहां पर बच्चे का जेंडर पता लगा लेते थे कि कोख में पलने वाला बच्चा मेल है या फीमेल। अगर मेल है तो बहुत खुशी की बात है, बेटा आ रहा है, कुल का चिराग है, घर का चिराग है, खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कमा के खिलाएगा। उसके बाद भले वो बेटा एकदम क्या निकल जाए, बदमाश निकल जाए, चोर निकल जाए, ड्रगडिक निकल जाए, लेकिन ये उम्मीद है उससे। और अगर फीमेल है तो अरे ये क्या करेगी, इसकी तो शादी करना पड़ेगी और शादी में बहुत दहेज देना पड़ेगा, हम तो गरीब है, हम तो उसको दहेज नहीं दे पाएंगे, तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, आजू बाजू के लोग हंसेंगे, इसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, नरक, साथ साथ में वाले क्या हो जाएगी, नरक। तो ऐसे सोच के इसी दौरान क्या कर देते थे, चेकअप के दौरान ही चालाकी से उनका जेंडर पता लगा के फीमेल्स को अबॉर्शन करा देते थे, अबॉर्ट कर देते थे, जिसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। या फीमेल फीटिसाइड। समझ में आ रही बात, बहुत जगह पे देखो लगा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोको, ये है उसकी, उसका रेफरेंस। समझ में आई बात।
तो इसके लिए क्या है, सेक्स रेशो कम है। अच्छा, अगर जैसे तैसे बेटी को यहां से बचा भी लिया, जैसे तैसे कर्जा काट के अपना घर बार बेच के उसकी शादी कर भी दी, उसके बाद उसके ससुराल वाले उसका क्या करेंगे वो हमको नहीं पता है। तुम लोग क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में, न्यूज में देखते होंगे, हर रोज बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है जहां पर बहू को आग लगा देते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, मार देते हैं, ससुराल में उनको पीटते पाटते हैं, ताकि उस पर प्रेशर बनाते हैं कि अपने डैडी से पैसे मंगवा के हमको दो, आइदर मनी और मटेरियल, वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो दिस ऑल आर द डाउरी केस। डाउरी सबसे बड़ा क्या है, रीजन है दहेज। हम सब जानते हैं गलत है, लेकिन कोई भी इसको सुधारने की पहल नहीं करेगा। सबको डाउरी चाहिए। नंबर वन पे है यूपी, नंबर टू पे है बिहार। चाहे बाप की किडनी बेचना पड़े, लेकिन उनको क्या चाहिए, दहेज चाहिए। ओके, एनीवेज, दिस इज समथिंग, अनदर टॉपिक विच शुड कम अंडर सोशियोलॉजी। सो दिस इज व्हाट इज द रीजन व्हाई द सेक्स रेशियो इज लेस। आई होप यू ऑल गॉट इट। द अदर थिंग इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, अगर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पर सिटीज होने के चलते, फैसिलिटीज ज्यादा होने के चलते, जॉब की, स्कूल की, कॉलेज की, ये सारी फैसिलिटीज ज्यादा होने के चलते यहाँ पर लोग कंजस्टेड एरिया में रहते हैं, कम जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कैसे हम देखते हैं डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिव्स द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। डेंसिटी मतलब घनत्व, घना, है ना। अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो वहां पर कैसा है, थोड़ा सा वहां पे डिस्प्यूट चलते रहता है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। तो हम लोग यहाँ से मुंबई छोड़ कोई वहां पर नहीं जाता, पर वहां से लोग यहाँ पर आते हैं। उड़ीसा है ना, तो ये सारी जगहों पर बड़े बड़े घर हैं, एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहां, दूसरा घर वहां, ऐसे दूर दूर घर हैं। तो मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम लोग बसते हैं, तो डेंसिटी वहां पर कम है। लेकिन सिटीज में जहां पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग बसते हैं, इसलिए वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द डेंसिटी, नंबर ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ग्रोथ रेट हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, कितने कितने लोग यहाँ है और कितने लोग यहाँ है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉन को 10th में आए थे 80%, ठीक है, 12th में आएंगे 90%। खुशी हुई ना सुन के। हाँ, सो वर्क हार्ड, आएंगे तो कितना है इसका ग्रोथ रेट, 10%। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ग्रोथ, के शॉन ने कितना ग्रोथ किया है ना 10th से 12th में। इन द सेम वे वी कैलकुलेट फॉर पॉपुलेशन एज वेल, के लास्ट टाइम कितना था, अभी कितना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रोथ रेट मिलेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन राइज, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पब्लिक बढ़ रही है, सब बोलते हैं ठीक है, लेकिन क्या रीजन क्या है। देखो, सबसे पहला रीजन है इलिटरेसी। Keep writing with me. इसको अलग से डिस्कस करना।
ठीक है, और कुछ आएगा तो ऐड कर लेंगे, याद आएगा तो। सबसे पहला, हम किसके शिकार हैं? इलिटरेसी के शिकार हैं, मतलब लिटरेसी रेट कम है हमारे कंट्री में, जाहिलियत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता कि किसी भी चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस चीज का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा। बाहर कंट्रीज में क्या किया जाता है, शादी से पहले फैमिली प्लानिंग कराया जाता है, समझाया जाता है कि आपका जॉब ऐसा है, आपका जॉब ऐसा है, तो इससे आप लोगों का जो पूरा बैकअप ये बनता है, तो आपको आप एक बच्चा होना चाहिए, दो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलेगा, उसको अच्छी जिंदगी देना, उसको एजुकेशन देना, अच्छी लाइफ देना भी बहुत जरूरी है, अच्छी हेल्थ भी होना जरूरी है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर फैमिली प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। 5 बच्चे 7 बच्चे 10 बच्चे ये तो क्या है, बहुत कॉमन है। ठीक है, एज इंडिया में आज भी 8 लाख से भी ज्यादा गांव है, तो गांव में तो बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं होती। वहां पर तो ऐसा है कि जितने ज्यादा बच्चे, जितने ज्यादा बेटे, वो एक स्टेटस सिंबल है, जिसके एक जन के 5 बेटे हैं, एक जन के 8 बेटे हैं, तो जो 8 बेटे वाला है वो कि उसके 8 बेटे हैं और 5 ऐसे, तो मतलब इट शोज दिस स्ट्रेंथ, स्टेटस सिंबल जैसा। ठीक है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास कि फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन द सेंस जो भी है, ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी या फिर नसबंदी, वो नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ये तो बच्चे तो क्या है, भगवान का रूप है, भगवान की देन है ना, वो देंगे तो हम लेंगे, ये सुपरस्टिशन। थर्ड है, बहुत जल्दी जल्दी इलिटरेसी में ही हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, बहुत कम एज में शादी कर देना भी एक रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जन की हो जाती है शादी जब वो 16 ईयर्स ऑफ एज का है, ठीक है, पर्सन एक्स, उसका एज है 16, तब इसकी शादी हुई। एक है पर्सन वाई, जिसकी शादी हो रही 26 ईयर्स ऑफ एज में, तो इसके 10 साल पहले हुई है, तो इसके पास 10 साल एडिशनल मिले हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जल्दी शादी क्या देता है, रिप्रोडक्शन का ज्यादा टाइम देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतनी कम एज में वो खुद ही मैच्योर नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसकी शादी करवा दिए हैं, तो वो खुद क्या फैमिली प्लानिंग कर पाएगा, क्या फैमिली को संभाल पाएगा, लेकर चल पाएगा। ठीक है, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग में एक बात और याद आई, कई जगह तो ऐसा है जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, 4-5 बच्चे हैं, एक जाएगा चाय के ठेले पे, एक जाएगा कारखाने पे, एक जाएगा जूता पॉलिश करने, यहाँ से आया 2,000, यहाँ से आया 3,000, यहाँ से आया 2,500, तो मिला जुला के ज्यादा पैसे मिलेंगे पेरेंट्स को। सो मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे भी लोग सोचते हैं। सोचो, पॉवर्टी, गरीबी, इलिटरेसी, सब जोड़ो साथ में, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक। पहले क्या होता था, हमारे पास दवाइयां नहीं थी, कुछ भी बीमारी हुई, दवाइयां नहीं मिली, मरने वाला मर गया। आज के टाइम पे ऐसा है कि हम इतना एडवांस हो गए हैं ऑपरेशंस में, मेडिसिंस में, टेक्नोलॉजीज में, कि वो इंसान बेड रिडन हो गया है, बिस्तर पे चिपक गया है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। ठीक है, तो मतलब जो डेथ, इसके वजह से डेथ रेट कम हो गया है, डेथ रेट कम हो गया है, बर्थ रेट बढ़ गया है, इसका भी रीजन है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक है। कुछ कपल्स ऐसे भी होते थे जिनको बच्चे नहीं होते थे,
चाइल्डलेस कपल्स, है ना। लेकिन आज के डेट में अगर नेचुरली बच्चे नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, सरोगेसी, जीआईएफटी, जेडआईएफ, कितने सारे मेथड है। मतलब हर कपल अगर नेचुरली बच्चे नहीं हो रहे तो भी वो लोग साइंस की मदद से बच्चे पा सकते हैं। तो दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन डेथ रेट। अर्थ तो बड़ा नहीं होगा ना, वो तो उतना ही है। जगह नंबर हो मतलब डेथ भी होती रहेगी, बर्थ भी होते रहेंगे तो जगह होते रहेंगे। लेकिन ये लोग जहां मरने वाले मर नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले आ रहे हैं आ रहे हैं। तो क्या होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन दिस वर्ड टॉपिक। आई आस्क यू ऑल टू रीड एंड गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक लेक्चर और लगेगा मुझे इसके और भी आगे फंडामेंटल्स बताने में और ऑर्गेनिज्म को उसको जोड़ने में। ठीक है, सो बाय द टाइम प्लीज गो थ्रू दिस, गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।